नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। कहते हैं महिलाओं की शक्ति हर इंसान को संघर्ष का नया रास्ता देती है, लेकिन जब परिवार में मजबूरी और लाचारी की बाधा आती है तो घर की महिलाएं ही परिवार को नया कामयाबी का आयाम देती हैं। कहानी जम्मू की है, जहां पूजा को बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि महिला होने की बेड़ियां उसे कभी कैद कर पाएंगी। रिपोर्ट चौंकाने वाली है पर सच्चाई से भरपूर है। जम्मू से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर बंदिशों से बाहर आ रहा है। ऐसी एक तस्वीर जम्मू के कठुआ की है, जहां एक महिला ने पहली बार यात्री बस चलाकर मिसाल कायम कर दी। जम्मू बस स्टैंड पर आम लोगों ने तालियां बजाकर बस की ड्राइवर सीट पर सवार हो रही पूजा का मनोबल बढ़ाया। पूजा जम्मू कश्मीर की इकलौती महिला है जिन्होंने पुरानी सोच के बंधनों को तोड़कर यात्री बस चलाने की शुरुआत की। पूजा जम्मू कठुआ रूट पर बस चला रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर पूजा ने पहले अपने परिवार की मदद के लिए गाड़ी चलानी सीखी, लेकिन पूजा का हमेशा से ही सपना बड़ी गाड़ी चलाने का था। ऐसे में पूजा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए पहले छोटी गाड़ी चलाना सीखा, फिर ट्रक चलाना सीखा और लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने बस चलाने की शुरुआत की। पूजा के लिए गाड़ी चलाना और फिर गाड़ी से बस चलाने का सफर आसान नहीं था। उन्हें पहले समाज में कई तरह की बातें सुननी पड़ी, लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए पूजा ने अपने परिवार की सपोर्ट से अपने सपनों को पूरा किया और बस चलाकर प्रदेश की पहली महिला बस चालक बनी। पूजा का सपना पूरा करने के लिए जम्मू के ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान ने उनकी मदद की। प्रधान के मुताबिक पहले उन्होंने पूजा के बस चलाने की ख्वाहिश को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन जब पूजा ने उन्हें ये तर्क दिया कि महिलाएं जब फाइटर जेट चला सकती हैं, सेना में जा सकती हैं, तो वो बस क्यों नहीं चला सकती, इस पर उन्होंने पूजा को मौका देने का फैसला किया। फिलहाल ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स के बीच पूजा चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर भी पूजा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके मुताबिक अगर महिला भी बस चलाकर अपने घर परिवार का ख्याल रखती है तो इसमें उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती। वहीं पूजा बस चलाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर की दूसरी महिलाओं को भी आगे आने के लिए अपील कर रही हैं। पूजा का सपना है कि वो पैसे कमाकर अपना एक ड्राइविंग स्कूल खोले, जहां महिलाओं को ड्राइविंग सिखाई जा सके। साथ ही वो चाहती हैं कि सरकार भी ड्राइविंग सिखाने की इच्छुक महिलाओं की मदद करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।